बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लात 2023 का 9 अप्रैल को जो टेस्ट हो रहा है, इस वीडियो में उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इन पाकिस्तान सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the provinces based on। पाकिस्तान में कौमी असम्बली की सीट्स सूबों में किस बुनियाद पर तकसीम की जाती हैं? तो ये आबादी की बुनियाद पर तकसीम की जाती हैं। इसके अलावा पेपर में नेशनल असम्बली के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेशनल असम्बली की टोटल सीट्स कितनी हैं, तो टोटल सीट्स हैं 342, जिनमें से 60 वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, 10 नॉन मुस्लिम के लिए, और बाकी जितनी भी सीट्स हैं वो जनरल सीट्स हैं। क्वेश्चन 2, द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना इज कॉल्ड। चाइना की नेशनल करेंसी कहलाती है रेमेबी। क्वेश्चन 3 है, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट इज। प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट है मून। अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। Iran was the first country to recognize Pakistan। ईरान पहला मुल्क था जिसने आज़ादी के बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया। क्वेश्चन 5, पाकिस्तान joined the United Nations Organization in। पाकिस्तान ने UNO को ज्वाइन किया था 1947 में। 30 सितंबर 1947, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 6 में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फोकस है ह्यूमन राइट्स पर, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी है ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन 7, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन 8, द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CO2। क्वेश्चन है, लियो मेसी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लियो मेसी फुटबॉलर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? अर्जेंटीना से। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस इन द गिवन बिलो। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, टच पैड ये तीनों इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पॉपुलेशन और एरिया दोनों के लिहाज से वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है। क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ सार्क इज। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका मेन एम है रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, द मेन एम ऑफ सार्क इज रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेल्सन मंडेला वाज अ डैश रेवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल लीडर। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल लीडर थे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीकन। क्वेश्चन 15 में है सन बाथिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ। सन बाथिंग धूप सूरज की रोशनी, ये गुड सोर्स है विटामिन डी का। क्वेश्चन 16 पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान वाक़या है जनूबी एशिया में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। ये थे हमारे पास जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग।